हेलो गाइस, मैं आपका अपना मैडी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज गाइस मैं आपके लिए बहुत ही औसम वीडियो लेके आया हूं। आज गाइस मैं आपको बताने जा रहा हूं वोटर आईडी कार्ड आपको कैसे अप्लाई करना है ऑनलाइन घर बैठे। तो चलिए गाइस मैं आपको दिखाता हूँ कि आप किस तरीके से इस प्रोसेस को कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको देखने मिलते रहे। तो चलिए गाइस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको ये ऐप ओपन कर लेना है। इस ऐप का डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे दिया, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं ये ऐप। एंड ये ऐप गवर्नमेंट के तरफ से है तो आप बेफिक्र होकर इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके बाद गाइस यहाँ पे आप देख रहे हैं बॉक्स बना है एग्री, उस पर आपको क्लिक करके नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने गाइस इस तरीके का फॉर्मेट खुल जाएगा, आप जिस भी लैंग्वेज में इसे चाहें उसमें यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद गाइस मैं इंग्लिश में करूँगा। इसके बाद आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद गाइस आप न्यू बना रहे हैं तो इसलिए आपको यहाँ वोटर रजिस्ट्रेशन में जाना है। वोटर रजिस्ट्रेशन में जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ लिख के आ रहा है न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो आप सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद गाइज आपको यहाँ पे अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पे आपको न्यू यूज़र पे जाना है। न्यू यूज़र पे जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ मोबाइल नंबर डाल के सेंड OTP पे OTP मंगवा लेना है। जैसा कि गाइज आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने सारी इन्फॉर्मेशन लिख दी है और OTP वगैरह भी हमें यहाँ पे लिख दिए हैं, पासवर्ड भी लिख दिए हैं। अब इसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली लिख के आ चुका है। सिंपली आपको यहाँ ओके कर देना है। एंड अब आपको यहाँ पे आपने जो मोबाइल नंबर से पासवर्ड भी यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा जो भी आपने बनाया है, उस पर आपको सेंड OTP करना है। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो जैसा कि गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने मंगवा चुका है OTP। उसके बाद हम यहाँ पे लॉग इन नाउ करेंगे। लॉग इन नाउ करने के बाद गाइज आपको फिर से वापस उसी पेज पे भेज दिया जाएगा। फिर से आपको यहाँ पे वोटर रजिस्ट्रेशन पे जाके न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन पे जाना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं लेट्स स्टार्ट लिखा, वहाँ क्लिक कर दें और यहाँ पे आपको यस आई एम अप्लाइंग फॉर दी फर्स्ट टाइम पे क्लिक करके और आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे गाइज आपको इन्फॉर्मेशन डालना है। पहले आपको स्टेट डालना है, फिर आपको डिस्ट्रिक्ट सिटी जिला वगैरह जो आपका है वो डालना है। फिर यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी डालना है और यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है और यहाँ पे आपको एक डॉक्यूमेंट प्रूफ के लिए देना पड़ेगा। तो उसमें आप अपना डॉक्यूमेंट में कुछ भी दे सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट, आधार, पैन, ड्राइविंग या 10th क्लास का मार्कशीट या पासपोर्ट वगैरह। और उसके बाद आपको जो भी आप देंगे उसको आपको यहाँ पे अपलोड करना है। इतना डालने के बाद गाइज आपको सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। एंड नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पर आपको अपना प्रोफाइल फ़ोटो अपलोड करना है और जेंडर बताना है। फिर यहाँ पे आपको अपना नाम, सरनेम और फिर यहाँ पे आपको आधार कार्ड का नंबर डालना है और मोबाइल नंबर डालना है। ईमेल आईडी आपको डालना है और यदि डिजेबिलिटी है आप में कोई बीमारी जैसे कि आप अंधे हैं, लूले हैं, बहरे हैं तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको आप कुछ भी नहीं इनमें से तो आपको यहाँ पर टिक करे बिना नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इतना लिखने के बाद गाइज आपको सिंपली यहाँ नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख रहे हैं रिलेशन टाइप, तो यहाँ पे आपको अपना जैसे फादर हैं तो फादर का आपको यहाँ पे क्या नाम लिखना पड़ेगा और फिर इसके बाद आप यहाँ पे नेम लिखेंगे, लास्ट नेम लिखेंगे। ना करने के बाद सिंपली गाइज आपको यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। एंड फिर गाइज आपको यहाँ पे अपना एड्रेस लिखना है, एड्रेस, एरिया, लोकेलिटी, मोहल्ला, टाउन और पोस्ट ऑफिस नंबर, आपका पिन कोड, तहसील और अपना एक एड्रेस प्रूफ भी लगाना है आपको
तो यहाँ पे एड्रेस प्रूफ के लिए गाइस आप डॉक्यूमेंट, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी बिल, आधार कार्ड भी लगा सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे हम आधार कार्ड लगाएंगे एंड इसे हम अपलोड, यहाँ पे जो आधार कार्ड लगाएंगे उसका आपको यहाँ पे फिर से अपलोड करना पड़ेगा एक डॉक्यूमेंट, और फिर उसके बाद सिंपली गाइस नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद गाइस आपको यहाँ पे लिखना है रिलेशन टाइप, यहाँ पे आप फादर लिख देंगे एंड उसके बाद नेम ऑफ फैमिली मेम्बर, तो आपको यहाँ पे अपने पापा का नाम दे देना है। और फिर उसके बाद गाइस सिंपली आपको यहाँ पे एंटर वोटर आईडी नंबर, उनका वोटर आईडी नंबर यहाँ पे आपको लिख देना है और सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप गाइस, यहाँ पे हमें स्टेट भरना है, डिस्ट्रिक्ट भरना है, विलेज टाउन भरना है, और यहाँ पे आपको यहाँ पे डेट भरना है जिस डेट से आप उस जगह पे जहाँ का आप वोटर आईडी बना रहे हैं, जिस प्लेस के लिए वहाँ पे आप कितने समय से रह रहे हैं आपको वो यहाँ पे लिखना है। और फिर इसके बाद गाइस सिंपली आपको यहाँ नीचे आ जाना है, प्लेस ऑफ एप्लीकेशन पे आपको बताना है आप कहाँ से ये फॉर्म भर रहे हैं। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पे डन पे क्लिक कर देना है। डन पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं आप फॉर्म 6 प्रीव्यू नेक्स्ट न्यू वाटर रजिस्ट्रेशन में आपका जो भी आपका लिख के आया है, जो भी आपने भरा है अपना इन्फॉर्मेशन, तो आप उसको एक बार रीड कर सकते हैं पहले यहाँ पे। यदि कहीं पे कुछ मिस्टेक है तो आप उसको सही जाके कर सकते हैं, इसलिए ये यहाँ पे आता है। एंड यहाँ पे आप देख लिए यहाँ पे सब कुछ सही है, तो इसके बाद आप कंफर्म कर सकते हैं, और इसको हमने यहाँ पे कंफर्म कर लिया है। एंड कंफर्म करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का फॉर्मेट ओपन होगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइस थैंक यू लिख के आ गया है और योर एप्लीकेशन हैज बी सबमिटेड सक्सेसफुली आ गया है, योर रेफरेंस आईडी भी आ गया है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक है कि स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको यहाँ ओके करना है। अब यहाँ पे आप इसका जो प्रोसेस है कि अभी कितना ये प्रोसेस में हो रहा है, तो वहाँ से आप स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से आप स्टेटस चेक कर सकते हैं, और वो जो हमने वहाँ से क्लिक किया था तो वहाँ रेफरेंस आईडी वो आपको यहाँ पे डाल के चेक करवाता हूँ मैं। यहाँ पे देख सकते हैं गाइस आप, हमने यहाँ पे ये लिख दिया है और नीचे स्टेट आप यहाँ पे चूज कर लेंगे अपना जिस स्टेट से आप भर रहे हैं। एंड इसके बाद आप यहाँ नीचे देख रहे हैं ट्रैक स्टेटस, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं अभी जस्ट सबमिटेड हुआ है, बीएलओ अपॉइंटेड होगा, फील्ड वेरिफिकेशन होगा और यहाँ पे एक्सेप्टेड हो जाएगा। जब ये एक्सेप्टेड हो जाएगा तो आपके पास कूरियर से, आपके पास पीवीसी से बना हुआ आधार कार्ड आपके घर पे कूरियर हो जाएगा। तो ये रहा गाइस वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज़।